जंगल के बीचों बीच काल भैरवी की भयंकर मूर्ति के सामने आरती चल रही है। आरती की ऊंची ऊंची लपटों के साथ ढोल ताशे और मंजीरे की आवाज तेज होती जा रही है। गांव के सारे लोग इस आरती में मौजूद हैं। सबकी नजरें काल भैरवी की भयंकर मूर्ति पर टिकी हुई हैं और सबके हाथ आस्था और भक्ति में जुड़े हुए हैं कि अचानक ही आरती के लपटे और तेज हो गई। काल भैरवी की मूर्ति की आंखें भी लाल हो गईं। काल भैरवी की आंखें देख पंडित डर के मारे कांपने लगा और अगले ही पल तेज आवाज के साथ पंडित के हाथ से थाली जमीन पर आ गिरी। कहर इसे कोरा ना जाबो, इसे कोरा ना जाबो। कालीबाड़ी गान में हर 3 साल पर काल भैरवी की आरती होती है। माना जाता है कि अगर ये आरती ना हो तो गांव में भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। नियम के अनुसार गांव के हर एक शख्स को पूरी आरती में शामिल होना होता है और जब पूरी आरती नहीं करता फिर उसकी जिंदगी की सांस भी पूरी नहीं होती। सब लोग आरती में शामिल होकर अपने श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे तभी एक लड़के का फोन बजा। क्या आज ही? ठीक है। इतना कहकर लड़के ने फोन काट दिया और अजीब सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए भीड़ से निकल अपने घर की ओर चल पड़ा। इधर लड़के के जाते ही काल भैरवी की आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं और अगले ही पल आरती की आंख की लपटें तेज हो गईं, जिसे पंडित संभाल नहीं पाया और आरती की थाली जमीन पर गिरी। उसने चीखते हुए सबसे कहा, विनाश महाविनाश, अब इस गांव को नहीं बचा सकता कोई। काल भैरव ने हमारी आरती स्वीकार नहीं की। किसी पापी ने आरती में विघ्न डाला है। कौन है वो जिसे पूरे गांव की जिंदगी दांव पर लगा दी? कौन है जो काल का घास बनने को आतुर है? पंडित की बात सुन सभी गांव वाले डर कर एक दूसरे को देखने लगे थे कि अचानक ही सबकी सांसें एक पल को रुक गईं, क्योंकि काल भैरवी की आंखों से आग निकलने लगी थी, जिसे देख अगले ही पल सभी गांव वाले भागने लगे। भागो, काल भैरव अपने रोदार रूप में आ गई है, भागो, जल्दी भागो। इधर जो लड़का फोन पर बातचीत करते हुए बीच आरती में निकल गया था वो अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहा था। तभी उसकी बहन उसके लिए खाना लेकर आई। लो सुजीत, तुम खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। पता नहीं किस बददिमाग ने पूरे गांव को संकट में डाल दिया। पता नहीं अब क्या होगा। सुजीत की बहन सुजीत से बोल रही थी पर उसका सारा ध्यान तो टीवी में था। इस पर गुस्सा खाकर बहन ने टीवी बंद करते हुए कहा, क्रिकेट के चक्कर में तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रहता ना, बंद करो टीवी, चलो बंद करो। इतना कहकर सुजीत की बहन उसकी तरफ बढ़ी रही थी। लड़का भी सिर झुकाए सहमा सा बैठा हुआ था कि अचानक टीवी फिर से चालू हो गया, पर टीवी में इस बार क्रिकेट मैच नहीं बल्कि काल भैरवी की मूर्ति नजर आ रही थी, इसे कोरा ना जाबो, जिसकी आंखों से आग निकल रही थी। सुजीत, सुजीत, भागो, भागो, टीवी में आग लग गई है। बहन की बात सुनकर भी सुजीत अपनी जगह से हिला तक नहीं और टीवी से निकलती आग की लपटें धीरे धीरे सुजीत की तरफ ही बढ़ती जा रही थी। सुजीत की बहन ने सुजीत को बचाने के लिए जैसे ही उसे छुआ पर उसकी बहन अभी भी सुजीत का नाम ही पुकार रही थी। सुजीत, सुजीत, क्या हुआ तुम्हें? इसे कोरा ना जाबो। हो ना हो, इसी ने आरती नहीं पूरी की और मैच देखने वापस आ गया। काल भैरवी इसे नहीं छोड़ेगी। क्या करूं? क्या करूं? मुझे हवन का भभूत लाकर इसे लगाना चाहिए। इतना कहकर बहन ने सुजीत को वो भभूत लगा दी, जिसके लगते ही सुजीत एकदम से बेहोश हो गया था। कुछ होश आया
सरला दीदी, अरे मैं नीचे कैसे सो गया और आपने टीवी बंद क्यों कर दिया? कितना शानदार मैच दे रहा था। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? कैसे याद नहीं, हम बस मैच जीतने ही वाले हैं। क्रीज पर अपना माही ही है। इसे कुछ याद नहीं, पर मुझे पंडित जी से मिलकर सारी बातें कहनी चाहिए। पर नहीं, गांव के नियम के अनुसार जो भी आरती पूरी नहीं करता उसे गांव छोड़कर जाना पड़ता है। किसी को कुछ ना बताने में ही भलाई है। और अब तो सुजीत भी ठीक है। अगली रात पूरे गांव में मौत की शांति पसरी हुई थी। सरला भी अपने कमरे में चैन से सो रही थी कि अचानक एक चीख से उसकी नींद खुल गई। उसे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। इसी सोच के साथ जब वो सुजीत को देखने उसके कमरे में गई, पर उसने जो देखा उसे देख उसके बदन का रोम रोम डर के मारे कांप उठा था, क्योंकि सुजीत हाथ के बल चल रहा था और इसके पैरों पर तोतिए चल रहे थे। बचाओ दीदी, मैं चल रहा हूँ दीदी, बचाओ दीदी, बहुत दर्द हो रहा है दीदी, बचाओ। सुजीत ने सरला को देखते ही कहा। सरला भी सुजीत की बात सुन उसके पैरों पर रखे दिए हटाने जाती है। उसने अभी दिए को छुआ ही था कि अगले ही पल सुजीत पहले की तरह अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया, पर उसका चेहरा बहुत डरावना हो चुका था, जिसे देख सरला की आंखें भी नम हो गई। सुजीत सरला से कुछ बोल नहीं जा रहा था कि जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, इसे कोरा ना जाबो, इसे कोरा ना जाबो। ये कहते हुए सुजीत का आधा हिस्सा एक औरत का हो गया था, जिसके हाथ लगातार बड़े होते जा रहे थे। सरला भी उन हाथों से बचते हुए इधर उधर भाग रही थी, पर उसकी ये कोशिश नाकामयाब रही। बचाओ मुझे, मुझे बचाओ कोई। इसे कोरा ना जाबो, इसे कोरा ना जाबो। सरला की चीख सुन पंडित उसके घर आ गया था। अरे ये तो काल भैरव की आवाज है, इसे कोरा ना जाबो, मतलब इसे कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, अब इसके बाद पूरा गांव संकट में होगा, मुझे कुछ करना ही होगा। भभूत लगाते ही सुजीत फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सरला भी अब आजाद हो गई थी। काली के काल को आमंत्रण दिया है तुम लोगों ने, अब बस अंधेरा होगा, हर तरफ अंधेरा होगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। पंडित जी, कोई तो उपाय होगा मेरे भाई को, मेरे गांव को बचाने का। पंडित जी हाँ है, पर बहुत ही मुश्किल। सुजीत को माँ काली की प्रतिमा के चारों ओर घूमकर कई महीनों तक आरती करनी होगी। चाहे कड़कड़ाती धूप हो या तूफान, परिक्रमा रुकनी नहीं चाहिए, तभी काल भैरव प्रसन्न होगी। उनके प्रसन्न होते ही अपने आप वो आरती प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेगी, वो प्रसाद खाते ही सुजीत ठीक हो जाएगा। पंडित सरला को सारी बात बता ही रहा था कि तब तक सुजीत को भी होश आ चुका था। उसने होश में आते ही पंडित से कहा, मैं करूंगा ये परिक्रमा। अगले दिन सुजीत अपने हाथ में आरती की थाली लेकर काल भैरव की प्रतिमा की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। आरती की लपटें तेज होने लगी थी और सुजीत एक कदम के साथ एक पुरुष होता तो अगले ही पल वो काल भैरवी का रूप ले लेता और सबसे बस यही कहता, इसे कोरा ना जाबो, इसे कोरा ना जाबो। सुजीत की बात पूरे गांव में गूंज रही थी, जिससे सुन गांव वाले भी डरने लगे थे। इसे कोरा ना जाबो, इसे कोरा ना जाबो। चलो सभी काल भैरव के पास चलो, वो काफी कुपित है, जल्दी जल्दी चलो, उनसे माफी की भीख मांगते हैं। सभी गांव वाले दौड़ते हुए काल भैरवी की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े डरे सहमे खड़े थे। सुजीत भी काल भैरवी की प्रतिमा की परिक्रमा किए जा रहा था और हर कदम के साथ वो सबसे यही कह रहा था, इसे कोरा ना जाबो। सुजीत अभी बोल ही रहा था कि तभी काल भैरवी की आंखों से लपटें निकली और अगले ही पल सुजीत धूं धूं कर चलने लगा। ये देख सभी गांव वाले डर गए थे। अपने भाई को बचाने सरला उसके पास जा ही रही थी, तभी पंडित ने उसका हाथ पकड़ से रोकते हुए कहा,
यही गांव के हित में है बेटी। और जब तक सरला कुछ कर पाती, सुजीत चीखता हुआ चलकर राख हो चुका था। सभी गांव वाले ने उसे एक बलि समझ अपने मन को समझा लिया, लेकिन एक बहन से उसका भाई हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुका था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।